हेलो भाई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन अकेडमी दिस प्लेटफॉर्म। मैं कुमार मैं आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ बेटा। तो जैसा कि बता दें बेटा, कल हम लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं, आज से क्लास आप लोगों को मिल रही है और लगातार बेटा क्लास मिलती रहेगी। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज का बेटा क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, एक भी दिन क्लास मिस नहीं होगी। अगर मैं क्लास में लाइव नहीं आ पाऊंगा तो आपको वीडियो मिलेगी, आप वीडियो से अपने सेशन को कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बेटा दो वीडियो लेंगे, एक तो ये लेंगे कि रमेश सिंह का एक दिन गैप हो गया है, तो ट्यूजडे वाली वीडियो आज आपको मिल जाएगी, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, रमेश सिंह को पूरा कवर कर लीजिए। और फिर बेटा एक वीडियो आज रात को 11 बजे आपको मिल जाएगी, जिसमें हम लोग पॉवर्टी, यस पॉवर्टी को अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास की दो वीडियो हैं, एक तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रमेश सिंह कंप्लीट एडिशन, 12th एडिशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग आर्थिक प्रणालियों की बात करेंगे, ये मिलेगा। फिर आज एनसीईआरटी कवर करना था बेटा, तो आज एनसीईआरटी का हम लोग क्लास करेंगे रात 11 बजे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बता दें कि आप भारत के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं, आप यहाँ पर जुड़ करके बेहतरीन बेहतरीन एजुकेटर के साथ मिल करके तैयारी कर रहे हैं, और आपके पास बहुत अच्छा मौका है मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करने का, मेरी मेंटोरशिप लेने का। और आपको अगर मेरा गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे गाइडेंस में आकर के बेटा पढ़ाई कर सकते हैं। एंड इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी टेट सीरीज आपके पास है, और आज आखिरी दिन है बेटा, आप चाहे तो K10 का यूज करके बेहतरीन तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अनअकैडमी ने कहा है कि वो 80 टेस्ट करवाएगी हर साल बेटा, जिसमें से 30 टेस्ट आपकी मुख्य परीक्षा के होंगे, 50 टेस्ट बेटा आपके प्रीलिम्स के होंगे, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट होगा, बहुत बेहतरीन है, 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 18 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, यानी 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए का जो टेस्ट है बेटा वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन आज 30 जून है, आज ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। आप अगर आइकोनिक या प्लस का कोई भी जीएस कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो आपको ये सारा बिल्कुल फ्री मिलेगा। सब्सक्रिप्शन सीएससी महा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बेटा चल रहा है, आज का दिन सिर्फ बाकी है, तो 35%, यस 35% डिस्काउंट है। तो आपके पास मौका है, आप ये मौका को हाथ से जाने मत दीजिए और एडमिशन लेकर के पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी ऑफलाइन कब खुलेगा, कब से चीजें नॉर्मल होगी कुछ पता नहीं है। तो आपके पास बेहतरीन मौका है, आप यहाँ पर जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर पैसे की तंगी है या पैसा एक साथ नहीं जमा कर सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है बेटा, आप लोन ले सकते हैं, जे जो यूपीएससी ड्रीम, आप लगातार लोन लेकर के जहां पर 0% प्रोसेसिंग फी है, 0% इंटरेस्ट है, 2 घंटे में बेटा आपका लोन पास हो जाएगा, 10,000 की किताबें आपको फ्री मिल जाएंगी। यू हैव द ऑप्शन ऑफ आइकॉनिक जीएस एंड गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स, स्टडी मटेरियल आल्सो, स्टडी प्लानर। तो आप 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल, कोई भी कोर्स लेना चाहें आप बेटा ले सकते हैं, आपको बस यूज करना है K10। यस, आपको K10 यूज करना है। फ्री टेट सीरीज बेटा चल रही है लगातार, जिसमें आप पाथफाइंडर 3.0 ले सकते हैं, राइस 6.0 ले सकते हैं, वर्ड अफेयर 3.0 भी ले सकते हैं, बस आपको क्या अप्लाई करना है, कोड अप्लाई करना है आपको K10, ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट हर रविवार 11 बजे, और बेहतरीन बात यह है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल पेपर 16 जून से बेचा बैट स्टार्ट हुआ है, आप K10 का यूज कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपकी हर समस्या को हम सुनेंगे ध्यान से। तो वहां पर हम प्लस पर भी हैं, इंडियन इकोनॉमी और ऑप्शन के पेपर को लेकर के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, रमेश सिंह का हम लोग पहला चैप्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, और हमने कहा था कि तेजी की इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने इसके मेन टॉपिक में। तो चलिए आइए, तो आज के टॉपिक में हम लोग फिर से जुड़ गए हैं रमेश सिंह, और रमेश सिंह में हम लोग देखेंगे क्या क्या बातें हैं आज, क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, किस प्रकार से कवर करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग जो लोग सेशन को देख रहे हो, सेशन को एक बार बेटा लाइक कर दीजिए और लोगों को ये सेशन शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूनियन बजट भी आगे डिस्कस करेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो इस वाले में हम लोग यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहले चैप्टर में क्या बातें हैं। इकोनॉमिक सिस्टम बेटा हमें जानना है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, यानी आर्थिक प्रणालियों के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आर्थिक प्रणालियां किसे कहते हैं, आर्थिक प्रणालियां क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं, ध्यान समझते हैं, बहुत ध्यान से जुड़ जाइए, सेशन को एंजॉय करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आपको बता दें कि मानव जीवन की, यस रमेश सिंह की किताब आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, अगर जिसको एडमिशन लेना हो वो K10 को यूज कर सकता है। अब हम लोग पूरी बुक को अच्छे से यहाँ कवर करेंगे, तो इसके आगे के टॉपिक, तो पहले चैप्टर का वीडियो आपने देखा होगा,
उसी के बाद के बेटा ये वीडियो है, ठीक है? तो सभी लोग ध्यान से सुनिए और बात को समझने की कोशिश करिए। तो मानव जीवन कुछ जीवों यानी वस्तुओं और सेवाओं के इस्तेमाल उपयोग पर निर्भर है। तो पूरा मानव जीवन वास्तव में गुड्स एंड सर्विसेज की यूज पर निर्भर है, उसके कंजम्पशन पर निर्भर है, और लोगों को इन चीजों की प्राप्ति कैसे कराई जाए इसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। और अर्थशास्त्र के लिए चुनौती भी है कि क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है बेटा वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसके उपभोग पर डिपेंड करता है, और यही अर्थशास्त्र की पहली चुनौती भी है। लेकिन वास्तव में इस चुनौती के दो आयाम है, इस चुनौती के बेटा दो आयाम हैं। पहला तो ये कि इन चीजों के सृजन और दूसरा इनके लोगों तक पहुंचाने का, यानी कैसे हम प्रोडक्शन करें, कैसे इसका क्रिएशन हो, एक तो पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि अगर ये चीजें मिल भी जाएं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सप्लाई किस प्रकार से किया जाए, ठीक है? तो इसका सप्लाई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए ये इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों के सृजन के लिए पहले सृजनकारी उत्पादनकारी परिसंपत्तियों की स्थापना जरूरी है, जिसके लिए धन लगाने की आवश्यकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे निवेश कहते हैं। तो जिसके लिए धन लगाने की आवश्यकता होती है उसे हम निवेश कहते हैं। लेकिन लेकिन यह निवेश किसके द्वारा और क्यों किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस चुनौती के समाधान के क्रम में विश्व में अलग अलग आर्थिक प्रणालियों का जन्म हुआ, जिन्हें हम अर्थव्यवस्था के संगठन का प्रकार भी कहते हैं। तो आर्थिक प्रणालियों की वैसे तो एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है, लेकिन तीन प्रकार की आर्थिक प्रणालियों को बेटा मुख्य रूप से हम जानते हैं। तो कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, और क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। अगर हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में हम तीन प्रकार की प्रणालियों को देखते हैं, एक बेटा पूंजीवाद है, एक समाजवाद है, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सवाल यह है कि पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसको यहां समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पूंजीवाद को देख रहे हैं तो देखिए डॉलर ही डॉलर है। अगर हम समाजवाद को, अगर हम कैपिटलिस्ट डिस्क्राइब बाय सोशलिस्ट देखेंगे तो इसमें ऐसा दिखता है जिसके पास पैसा है पूंजीवादी है, जिसके पास नहीं है समाजवादी है। और इस तरीके से हम यहां जो डायग्राम देख रहे हैं, कैपिटलिज्म डिस्क्राइब बाय कैपिटलिस्ट, डिस्क्राइब बाय सोशलिस्ट, फैसिज्म, सोशलिज्म डिस्क्राइब बाय सोशलिस्ट, सोशलिज्म डिस्क्राइब बाय कैपिटलिस्ट, एनार्ची डिस्क्राइब बाय एनार्चिस्ट, ठीक है? तो समाजवाद की परिभाषा समाजवादी देते हैं, पूंजीवाद की परिभाषा पूंजीवादी देते हैं, और तानाशाह की परिभाषा तानाशाही देते हैं। तो तीन प्रणालियों की बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बाजार अर्थव्यवस्था की, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मार्केट इकोनॉमी वास्तव में क्या है। तो बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, तो बाजार अर्थव्यवस्था का बेटा जो जन्म है वो स्कॉटलैंड के दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ 1723 से 1790 की एक पुस्तक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, 1776 से माना जाता है। एडम स्मिथ के प्रमुख विचारों का सारांश अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी की बात करें, तो देयर आर प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल मोटिव, कंज्यूमर डोमिनेंट, परफेक्ट कंपटीशन, सप्लाई एंड डिमांड, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी आप ध्यान से सुनिए, आपको फिगर एकदम दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बाजारिक अर्थव्यवस्था की बात करें बेटा, तो यहाँ पर निजी क्षेत्र की संपत्तियां, लोगों को आगे बढ़ने का मोटिव, और सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है? सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो ये बात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ भी कहते हैं कि जब तक हम बाजार को खुला नहीं छोड़ेंगे, जब तक बाजार को उनके हैंड पर नहीं देंगे, जब तक वो डिमांड और सप्लाई को अपना अपने आप से क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम बाजार में अच्छी अर्थव्यवस्था को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो बाजार में अच्छी अर्थव्यवस्था को जन्म देने के लिए हमें मार्केट इकोनॉमी क्या करना पड़ेगा बेटा, लिबरल करना पड़ेगा, लिबरल करना पड़ेगा। तो एडम स्मिथ की बात आप लोग जानते भी हैं। तो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने व्यक्तियों एवं उपक्रमों की स्वार्थी प्रेरणादायक कारक को अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड कहा है, और इस प्रकार उत्पादनकारी परिसंपत्तियों में कौन और क्यों धन लगाएगा, जैसे क्यों निवेश करेगा, इन प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है।
ठीक है, क्यों धन लगाएगा, क्यों निवेश करेगा, ये प्रोडक्शनकारी एसेट्स हैं, इन सब का हमें आंसर यहां मिलता है। तो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ इन सब के आंसर देते हैं। तो एक बार सवाल पूछा गया कि अदृश्य हाथ सिद्धांत के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ इनविजिबल हैंड थ्योरी। तो आप बताइएगा अदृश्य हाथ सिद्धांत के जनक कौन है, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। और अदृश्य हाथ सिद्धांत का संबंध किससे है, बाजारिक अर्थव्यवस्था से है, मार्केट इकोनॉमी से है। ठीक है, तो बात करें कि अदृश्य अदृश्य हाथ के स्वस्थ परिचालन के लिए एक उचित वातावरण जैसे बाजार का होना आवश्यक है। अदृश्य हाथ के हेल्दी ऑपरेशन के लिए एक उचित वातावरण यानी बाजार का होना आवश्यक है। जो बेटा मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई की बात करें, यानी मांग और पूर्ति जिन्हें बाजार की शक्तियां कहते हैं, एक बात भी ध्यान रखिए, मार्केट पावर क्या है, मार्केट का स्ट्रांग पॉइंट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। तो बाजार की शक्तियां वास्तव में मांग और पूर्ति कहलाती हैं, जो बताती हैं बेटा क्या बनाना है, प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनाना है, साथ साथ कितना बनाना है, जैसे बने हुए उत्पादों को किस मूल्य पर बेचना है, इन सारी बातों का निर्धारण इन्हीं बाजार की शक्तियों के द्वारा है। क्या बनाना है, कितना बनाना है, किस मूल्य पर बेचना है, इन सब का निर्धारण कैसे होगा, इन्हीं बाजार की शक्तियों द्वारा होगा। तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था का नियमन, ऐसी आर्थिक व्यवस्था का नियमन बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करती है। क्लियर है? तो अदृश्य हाथ मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पीछे से पावर हो जो बाजार को बूम करे। तो बाजार को बूम करने के लिए 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे था बेटा, वो अदृश्य हाथ पर आधारित था। और जो पहला चैप्टर था, पहला जो उसमें आमुख था, जो पहला इंट्रोडक्शन था, वो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को लेकर के ही था। तो जब हम ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जहां पर हम मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करें, वहां अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का सिद्धांत आता है, जिसको हम लेसेस फेयर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए सरकार की तरफ से लेसेस फेयर की नीति अपनाई जानी चाहिए, यानी ओपन डोर पॉलिसी की नीति अपनाई जानी चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ देना चाहिए। इस फ्रांसीसी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अकेला छोड़ देना। लेसेस फेयर मीन्स क्या होता है, एकदम अकेला छोड़ दीजिए, किसी प्रकार की उसे परेशानी मत दीजिए, कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। तो विशेषज्ञों द्वारा कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, है ना। जो और अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं दिस इज नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के तौर पर हम इसे उपयोग में लाते हैं। अर्थशास्त्री स्मिथ के इन्हीं विचारों ने आने वाले समय में दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया है। इसे कहते हैं पूंजीवाद वाली अर्थव्यवस्था और मुक्त वाली अर्थव्यवस्था। तो एक तो बेटा हो गया पूंजीवाद कैपिटलिज्म, एक हो गया लिबरल इकोनॉमी, दोनों में अंतर है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पूंजीवाद और मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था एक शब्द है। नो, पूंजीवाद एक अलग शब्द है, मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था एक अलग शब्द है। तो सवाल है कि पूंजीवाद और मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था अलग अलग शब्द कैसे है, इनके मध्य कितना सूक्ष्म भिन्नता पाया जाता है, कुछ तो डिफरेंसेस है, देर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन लिबरल इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म, क्या है, क्या अंतर है, आइए देखते हैं। जहां पूंजीवाद का ध्यान संपदा और उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर होता है, यानी पूंजीवाद क्या करती है, संपदा और उत्पादनकारी परिसंपत्तियों की बात करती है, वहीं बेटा मुक्त अर्थव्यवस्था या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का ध्यान संपदा के विनिमय पर होता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के माध्यम से। तो पूंजीवाद का ध्यान क्या होता है, संपदा और उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व से होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की उपस्थिति हो सकती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन साथ ही निजी उत्पादकों को एक अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, निजी उत्पादकों को एक अधिकार भी प्राप्त हो जाता है जो किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को रोकता है। साथ ही इनमें आय कर को न्यून स्तर पर बनाकर रखा जाता है या कोई आयकर नहीं लगाया जाता है, कोई आयकर नहीं लगाया जाता है।
दूसरी तरफ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सरकारें नहीं बल्कि बाजार की शक्तियां नियमन का कार्य करती हैं। सरकार नहीं करती बेटा, इसमें बाजार की शक्तियां क्या करती हैं, नियमन का कार्य करती हैं। क्लियर हुआ? तो पूंजीवादी क्या करते हैं बेटा, तो पूंजीवादी का ध्यान संपदा उत्पादनकारी पर संपत्तियों के स्वामित्व पर होता है। देखिए यहां पर आप बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे इस डायग्राम से जो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में डायग्राम दिया है बेटा। देखिए ये कैपिटलिज्म है जहां पर खूब डॉलर है, देख पा रहे हैं, ये पूंजीवाद है जहां पर खूब डॉलर है। फिर कह रहा है वी रूल यू, उसके नीचे यानी ये लोग इस पे रूल करते हैं। वी फूल यू, वहां नीचे राजनेता टाइप के लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। वी शूट एट यू, ये जो फूल बनाते हैं वही इनसे शूट करवा रहे हैं। एंड वी यस वी ईट फॉर यू यस। और ये पूरा एक ऐसा समाज है जिस पे पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई, तो आप देख रहे हैं ये लोग हैं यानी वी फीड यू। यहां पर पिरामिड ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात की गई है ना, दिस इज पिरामिड ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। पिरामिड ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, सबसे ऊपर पैसा है, खूब पूंजी होना चाहिए, डॉलर डॉलर होना चाहिए। उसके बाद ऐसे लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, फिर ऐसे लोग हैं जो आप प्रशासन करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पूंजीवाद है, जिस कारण इसमें प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश होती है। इसमें आयकर तो लगाया जाता है किंतु उत्पादकों को हतोत्साहित करने के लिए इनकी दरें काफी नीची रखी जाती। बात करें बेटा तो पूंजीवादी यस पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को विश्व में पहली बार अमेरिका में प्रयोग किया गया। याद रखिएगा पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को सबसे पहले कहाँ लाया गया, अमेरिका में यूज किया गया। और वर्ष 1977 में जहां से यह पूरे यूरो अमेरिका, ठीक है, पूरे यूरो अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में तेजी से फैल गया। सवाल पूछेगा कि सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का प्रयोग कहाँ किया गया, तो बेटा बताइएगा सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग किया और 1777 ईस्वी में। धीरे धीरे यहां से उत्तरी अमेरिका, यूरोपियन नेशन, वेस्टर्न यूरोप, इन सभी पर यह चीज फैलने लगी। अब इन अर्थव्यवस्थाओं में 1929 की महान मंदी तक उच्च संपन्नता हासिल कर ली। तो जिन अर्थव्यवस्थाओं ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, धन संपदा को संग्रहण करने की नीति को अपनाई, उन लोगों ने खूब तेजी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया। और 1929 कब, 1929 तक महान मंदी को झेलने लगे। तो मंदी के फलस्वरूप इन्हें अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। यस तो सोचिए 1777 में तेजी से पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, इन सब ने क्या कर लिया, अपना लिया, पूंजीवाद को अपना लिया। और तेजी के साथ इनके साथ बहुत घाटा भी हो गया और 1929 के आते आते ये महामंदी के चपेट में आ गए। ठीक है, अब सवाल ये है कि पूंजीवादी प्रणाली सिर्फ अच्छी है या इसके कुछ निगेटिव पहलू भी हैं। इसके कुछ निगेटिव पहलू भी हैं, तो आप देख सकते हैं बेटा, साफ साफ आप देख सकते हैं इसके कुछ निगेटिव पहलू भी हैं। ठीक है, इसके कुछ निगेटिव पहलू भी हैं। क्या निगेटिव पहलू है इस प्रणाली के, ऋणात्मक तो आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटलिस्टिक क्या है बेटा, असमानता बढ़ी तेजी से, आर्थिक अस्थिरता बढ़ी, लोगों का एकाधिकारी शक्तियां बढ़ी और तेजी के साथ पर्यावरण हमारा क्या हुआ, क्षति हुआ, और अचल शक्तियां तेजी बढ़ गई और मोनोसोनी भी बढ़ा। तो प्रॉब्लम्स ऑफ का आप कैपिटलिज्म देख कर रहे हैं, देयर इज इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, मोनोपोली पावर, शॉर्ट टर्मिज्म, एनवायरमेंट कॉस्ट, इमोबिलिटीज एंड मोनोपसोनी। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा तेजी से होने लगी। तो आप ये कह सकते हैं गरीबों या यू कहें कि जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, जिनके पास बाजार में खरीदने की क्रय शक्ति नहीं थी, उनकी देखभाल के लिए इसमें कोई उपाय नहीं था। देखभाल के लिए कोई उपाय नहीं था यानी सरकार द्वारा नगण्य कल्याणकारी कार्य किया जाता था।
नगण्य कल्याणकारी कार्य किया जाता था, यानी जिन लोगों ने पूंजीवाद को अपनाया था। जिन लोगों ने पूंजीवाद को बेटा अपनाया था, यस, जिन लोगों ने पूंजीवाद को अपनाया, उन लोगों, हाँ, उन लोगों के द्वारा कल्याणकारी जो कार्य है वो क्या हो गया, बिल्कुल अलग सा हो गया, यानी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। यस, चलिए वितरणकारी उपायों की बेटा बात करें तो वितरणकारी उपायों को लागू करने यथा प्रगामी कर प्रणाली को अपनाने जिसके अंतर्गत दर लागू होती है के बावजूद भी आर्थिक असमानता बढ़ती गई क्योंकि आय कर की दर कम रही या व्यवसायों को आयकर में विभिन्न छूटें दे दी गई। व्यवसायों को आयकर में इन प्रकार की बेटा छूटें दे दी गई, ठीक है। विद्यमान आर्थिक सिद्धांतों द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं को महान मंदी से बाहर आने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इसके पश्चात विश्व में अर्थशास्त्र की समष्टि शाखा का जन्म हुआ जिसका प्रस्ताव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे एम कीन्स 1883 से 1949 द्वारा अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में रखा गया, ठीक है। तो विद्यमान आर्थिक सिद्धांतों द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं को महान मंदी से बाहर आने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और विश्व में अर्थशास्त्र की समष्टि शाखा का भी जन्म हुआ जिसका प्रस्ताव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम कीन्स 1883 टू 1949 द्वारा अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी रखा गया। तो अर्थशास्त्री कीन्स ने, आप बता दें कीन्स एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे बेटा, कीन्स एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अमेरिका को महामंदी से निकालने का काम किया। तो अमेरिका को महामंदी से निकालने के कारण ही अमेरिका की महामंदी को कीन्स का मंदी भी कहा जाता है या कीन्स का महामंदी भी कहा जाता है, ठीक है। जो बच्चे अभी जुड़ गए हैं सेशन के साथ, एक बार सेशन को सभी लोग बेटा लाइक कर दीजिए और तेजी के साथ इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो कीन्स ने अर्थव्यवस्थाओं को समस्या के समाधान के लिए उस समय की दूसरी औपचारिक आर्थिक प्रणाली जैसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ चरित्रों को अपनाने की सलाह दी है। कीन्स की सलाहों को अपनाने के बाद इन अर्थव्यवस्थाओं को महान मंदी से बाहर आने में सफलता मिली। इस प्रकार व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है, व्यवहारिक तौर पर मिक्स्ड इकोनॉमी, यस, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म भी हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग नॉन मार्केट इकोनॉमी की बेटा बात करें, नॉन मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो तात्कालिक तौर पर कार्ल मार्क्स 1818 टू 1883 के विचारों पर आधारित इस अर्थव्यवस्था के दो स्वरूपों का प्रयोग किया गया जिसमें बेटा समाजवादी एवं साम्यवादी स्वरूप है। समाजवादी और साम्यवादी दोनों शब्द थोड़ा सा अलग अलग हैं। तो समाजवादी एवं साम्यवादी, तो इसके समाजवादी मॉडल की बात करें तो समाजवादी मॉडल कब, 1917 से 1990 पूर्व सोवियत संघ, नाम सुने होंगे आप लोग इनका। तो समाजवादी मॉडल मीन्स पूर्व सोवियत संघ में देश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य राष्ट्रीय सरकार का स्वामित्व था। वहीं इसके साम्यवादी मॉडल चीन 1949-85 में इसके स्वामित्व के अंतर्गत श्रम भी आता था। तो आने वाले वक्त में राज अर्थव्यवस्था, कमांड अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के नामों से इसे जाना गया। इस अर्थव्यवस्था का उदय मूलतः बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ जो निम्न विचारों पर आधारित था। तो यही बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई बेटा कि पूंजीवादी साम्राज्य की स्थापना अमेरिका से होती है, अमेरिका ही पूरे वर्ल्ड में पूंजीवाद को लेकर के आने वाला है। हालांकि ब्रिटेन भी पूंजीवादी देश था लेकिन इसे बहुत चर्चित करने वाला कौन है, अमेरिका 1777। 1776 में अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की बुक आती है एन इंक्वायरी इन टू द नेश
नेचर कॉजेस द वेल्थ ऑफ द नेशन। और फिर उसके बाद तेजी से अमेरिका, आप लोग को पता है कि 4 जुलाई 1976 को अमेरिका आजाद भी होता है, और उसके बाद अमेरिका ने कह दिया कि भैया हम तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाएंगे। और पूंजीवाद को अपनाते अपनाते उसने पूरी तरीके से इसे पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। अमेरिका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद आपका देख रहे हैं यूरोप वाले देशों में, और फिर पश्चिमी यूरोप तक तेजी से पूंजीवाद की लहर फैल गई। पूंजीवाद की लहर ने ये बात साबित कर दिया कि वो अब शोषण करने जा रहे हैं और लाभ को अपना मुख्य उद्देश्य रख रहे हैं। तो पूंजीवादियों का सिद्धांत बन गया कि हमें चाहे जैसे बेटा लाभ का अधिकतमीकरण करना ही करना है। तो उन लोगों ने क्या बनाया सिद्धांत कि लाभ का अधिकतमीकरण किया जाए। हालांकि उसी के पहले सोवियत संघ ने क्या किया, साम्यवाद और समाजवाद की के झंडे को हमेशा ऊपर किए रहा, जिसमें कहा कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। तो आइए देखते हैं अब हम लोग कि समाजवाद और साम्यवाद किस तरीके से कार्य करता है। तो देश के संसाधनों का उपयोग, देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए किया जाना ही साम्यवाद है या समाजवाद है। संसाधनों का सबसे बेहतर उपयोग इनके समाज, समुदाय, सोसाइटी, कम्युनिटी के स्वामित्व में ही हो सकता है। अर्थात इसमें सिर्फ राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाएगा। कौन सी भूमिका निभाएगा? राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाएगा। निजी व्यक्तियों या उपक्रमों को संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। निजी व्यक्तियों या उपक्रमों को संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक अल्पसंख्यक वर्ग यानी बुर्जुआ द्वारा बहुसंख्यक वर्ग, यस बहुसंख्यक प्रोलेतारियत का शोषण किया जाता है। आर्थिक असमानता बढ़ जाती है और बाजार की अनुपस्थित होती है। यस यानी जो पहले पूंजीवाद में बेटा मांग और पूर्ति शक्तियां काम करती हैं, समाजवाद में या साम्यवाद में इस प्रकार की शक्तियां काम नहीं करती हैं। यानी बाजार की अनुपस्थिति होगी, मांग और आपूर्ति की शक्तियां कार्य नहीं करेंगी, और प्रतिस्पर्धा का जो पूर्णता विचार है वो अनुपस्थित होगा। कंपटीशन की कोई फीलिंग नहीं होगी, कंपटीशन का कोई इसमें इनपुट्स नहीं होगा। तो ये है हमारा साम्यवाद या समाजवाद। अब सवाल ये भी है कि अगर हम नागरिकों की, ध्यान से देखिए, अगर हम नागरिकों की आर्थिक भूमिका की बात करें, तो बेटा नागरिकों की आर्थिक भूमिका सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों में होगी, जहां वे अपनी योग्यता के अनुसार आर्थिक योगदान करेंगे तथा बदले में अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। तो किसी चीज का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है तथा उन्हें लोगों तक कैसे वितरित करना है, इन सभी प्रश्नों का निर्णय सिर्फ कौन लेगा? स्टेट। इन सभी प्रश्नों का निर्णय सिर्फ स्टेट लेगा, सिर्फ राज्य करेगा, सिर्फ राज्य करेगा। तो इस आर्थिक प्रणाली को सबसे बोल्शेविकों ने पूर्व सोवियत संघ यानी 1919 में प्रयुक्त किया, जहां से इसका विस्तार अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों जिन्हें समाजवादी समूह के देश भी कहा जाता था, में हुआ, तथा साम्यवादी चीन में वर्ष 1949 में या अपने विशुद्ध रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार गैर बाजार अर्थव्यवस्था के समाजवादी एवं साम्यवादी स्वरूपों का तेजी से बेटा उद्भव भी हो गया। क्लियर है? तो आर्थिक प्रणाली में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से साम्यवाद और समाजवाद का जन्म हो रहा है। साम्यवादियों का बेटा प्रारूप क्या है, कैसे हम इसको कहेंगे, किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या साम्यवाद समाजवाद हमेशा अच्छा ही है। तो इसके भी बेटा निगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट आर द निगेटिव एलिमेंट्स, हम इसके निगेटिव एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं, है ना, इसके निगेटिव एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं। तो आप भी बता दें, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो सेशन को देखिए अच्छे से, बेहतर से। ये रमेश सिंह जो कल होनी थी नहीं हो पाई थी, तो आज हम इसका वीडियो आपके सामने दे रहे हैं बेटा। अभी कुछ इश्यूज की वजह से हम लाइव सेशन में नहीं हैं, पहली बात, लेकिन उसी प्लेस हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। कुछ इंटरनेट का इश्यू चल रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, तो आप इस वीडियो जरिए अपने कोर्स को कवर करते रहिए। जैसे ही 2-3 दिन में हम चीजें सब शॉर्ट आउट कर लेंगे, वैसे ही हम आपके सामने लाइव हो जाएंगे। ठीक है,
अपने आप क्वेश्चंस बना के रखिए, हमारे आते ही क्वेश्चन पूछिए, लेकिन आपकी हर क्लास हर दिन 6 बजे चलेगी, आप आ करके वीडियो को डेली देख सकते हैं, ठीक है। और आज एनसीईआरटी का टर्न है, तो हम एनसीईआरटी का भी वीडियो आज रात 11 बजे आपके लिए बेटा अपलोड कर देंगे, ठीक। आज रात 11 बजे हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो सभी की बेहतरी के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध होने और निम्न गरीब जनसंख्या होने के बावजूद भी इस आर्थिक प्रणाली की अपनी कमियां और सीमाएं थी, जिन्हें हम संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, सभी का कल्याण हालांकि एक बहुत अच्छा लक्ष्य था, एक बहुत अच्छा लक्ष्य था, किंतु इसमें संपत्ति के सृजन पर बल नहीं दिया गया, जिस कारण आने वाले समय में निवेश योग्य पूंजी की कमी महसूस की गई। चूंकि संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकता सरकारें तय करती थीं, उनका इष्टतम उपयोग नहीं हो पाया। बाजार की शक्तियां संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने मदद करती हैं जो यहां अनुपस्थित थीं, और इनकी लगातार बर्बादी भी हुई, इनकी लगातार बर्बादी भी हुई। अब देखिए, चूंकि इनकी राजनीतिक प्रणाली गैर लोकतांत्रिक तानाशाही थी, वहां अधिकार और स्वतंत्रता दोनों ही गायब थे। बुर्जुआ द्वारा सर्वहारा को शोषण से बचाने के उद्देश्य से कार्य करने वाली इन अर्थव्यवस्थाओं में अंततः राज्य ही सबसे बड़ा शोषक बनकर उभरता है, जिसे आलोचकों द्वारा राजपूंजीवाद व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? राजपूंजीवाद, यस, राजपूंजीवाद व्यवस्था भी कहा गया। काफी पहले 1950 के दशक के मध्य में पोलैंड के दार्शनिक आस्कर लेंज ने, कौन है पोलैंड के दार्शनिक, ध्यान से देख लीजिए आप लोग नाम पूरा, पोलैंड के दार्शनिक आस्कर लेंज ने इन अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद को अपनाने की सलाह दी है। तो 1980 के दशक के मध्य में चीन द्वारा ओपन डोर पॉलिसी, यस, ODP, ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा करके बाजार समाजवाद को तेजी से अपनाया गया। तो बेटा व्यवहारिक तौर पर बात करें तो व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा बाजार समाजवाद के नाम से अपनाया गया, वास्तव में बाजार एवं गैर बाजार आर्थिक प्रणालियों के लक्षणों एवं तत्वों के मिश्रण से बनी है, जिसमें निजी एवं राज्य दोनों ही आर्थिक भूमिका को निभाते हैं, निजी और राज्य दोनों ही आर्थिक भूमिका को निभाते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप इसे कवर करेंगे। नोट्स बनाइए, खुद की हैंडराइटिंग से नोट्स बनाइए, कहीं भी डाउट हो आप हमें हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, कुमार मैंक अन अकेडमी टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप जुड़ करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। किसी को एडमिशन लेने समस्या हो रही है तो एडमिशन लेने संबंधी समस्या हमसे पूछ सकता है, उसे वीडियो नहीं मिल रही तो भी हमसे बात कर सकता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे अपने आप को यहाँ पर लिंक कर पाते हैं या जोड़ पाते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं मिक्स इकोनॉमी की। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव तभी हो गया जब महान मंदी के संकट से उबरने के लिए वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा गैर बाजार आर्थिक प्रणालियों के तत्वों को अपनाया गया। फिर इस आर्थिक प्रणाली को और बल तब मिला जब 1980 के दशक के मध्य से गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। बाजार समाजवाद के रूप में तो आर्थिक प्रणाली के आदर्श स्वरूप के प्रति वैश्विक सहमति बनाने की दिशा में आने वाले समय के विश्व बैंक की कुछ रिपोर्टों ने इसमें अहम भूमिका भी निभाई। क्या भूमिका निभाई है? पहला देखिए, विश्व बैंक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप को सही बताया गया, जो कि राज्य अहस्तक्षेप के पक्षधर रहे थे। अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की बेटा बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो क्या क्या इसके स्पेशलिटीज हैं, इसको देख लीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी, इसको हमें देखना होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, तो देखिए, इसमें इसमें
राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों ही की आर्थिक भूमिका शामिल होती है। इसमें निजी क्षेत्र वैसी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होता है जिनमें आदृश्य हाथ यानी लाभ की प्रेरणा के लिए अनुकूल वातावरण। मिक्स का मतलब ही बेटा हो गया कि अब हम सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों को अपनाने जा रहे हैं। इस मामले में निजी क्षेत्र के लिए निजी वस्तुओं पी एंड जी कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, राज्य एवं निजी क्षेत्र की आर्थिक भूमिकाओं की बात करें बेटा, राज्य एवं निजी क्षेत्र की आर्थिक भूमिकाएं सदैव नियत रहेंगी और ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि इनमें आने वाले समय की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन संभव है। आने वाले समय की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन क्या है, संभव है। ठीक है, नियमन यानी कानून, प्रतिस्पर्धा, कराधान, इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा, सरकार की होती है यानी राज्य की होती है। क्लियर हो गया? तो आज हमने बात किया कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, सोशलिज्म यानी समाजवाद, और मिक्स इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है। चीन की अर्थव्यवस्था कहती है साम्यवादी और समाजवादी है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं वाशिंगटन कंसेंसस। तो अभी हमें पढ़ना है बेटा वाशिंगटन कंसेंसस क्या रहा है, बहुत चर्चा में रहा है। बीजिंग कंसेंसस, बीजिंग सहमति बेटा क्या रही है, सेंटियागो सहमति क्या रही है। तो यहीं पर हम लोग फिर सेंटियागो सहमति के साथ अपने इस सेशन को हम लोग ओवर करेंगे, इसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि वाशिंगटन कंसेंसस क्या है। कई बार पूछा भी गया है, ये आईएएस मेंस में भी पूछा गया है, तो मेंस का भी बेटा सवाल है, और प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा जाता है और आईएएस में पूछा जाता है। यह एक आर्थिक सुधार संबंधी सलाह थी। वाशिंगटन कंसेंसस क्या था बेटा, आर्थिक सुधार संबंधी सलाह थी जिसे विकासशील देशों को आर्थिक संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग यानी वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाया गया था। चूंकि ये तीनों निकाय संयुक्त तो राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में स्थित है, अतः इसे अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा वाशिंगटन सहमति का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, वाशिंगटन सहमति का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत ये सारे 10 सुधार हैं। फिर समझ लीजिए, एक प्रकार का बेटा ये इकोनॉमिक रिफॉर्म सजेशन था, एक आर्थिक सुधार की सलाहकारी, एक सलाह देने वाली बात थी जिसमें विकासशील देशों को आर्थिक संकट के लिए समाधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग यानी वित्त मंत्रालय सुझाया गया था। ये तीनों ही निकाय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कहाँ थे, स्थित। तो क्या क्या 10 आर्थिक सुधार थे, इसको समझने की कोशिश करिए सभी लोग, और जो लोग जुड़ गए हैं सेशन को जरूर लाइक करें और बच्चों को शेयर भी करें। ठीक है, तो पहला क्या था, इन्होंने कहा भाई वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, किसी प्रकार का वित्तीय अनुशासन होना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक खर्च की प्राथमिकताओं को ऐसे क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशित कर देना चाहिए जिनसे उच्च लाभ एवं आय के वितरण की संभावना हो, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा तथा आधारभूत संरचना होनी चाहिए। फिर कर सुधार की बात करें तो सीमांत दरों में कमी तथा कराधार को खूब बड़ा कर लेना। ब्याज दर के उदारीकरण की बात करें तो ब्याज का दर बहुत, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत लिबरल होना चाहिए। जब तक आप इंटरेस्ट रेट लिबरल रखेंगे नहीं, लोग कैसे आके उधार लेंगे। जो कंपटीशन हो उसका एक्सचेंज रेट, व्यापार उदारीकरण होना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतः प्रवाह का उदारीकरण होना चाहिए। निजीकरण होना चाहिए। विनियमन प्रवेश एवं विकास में बाधाओं को दूर करने के अर्थ में होना चाहिए। साथ साथ संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये 10 पॉइंट्स हैं बेटा, ये 10 पॉइंट्स हैं जो वाशिंगटन कॉन्सेंसस यानी वाशिंगटन की सहमति में आपको लिखना होगा। तो अगर मेंस एग्जाम में पूछेगा सवाल कि वाशिंगटन सहमति के वो 10 आर्थिक सुधार क्या है बेटा, तो आपको बताना होगा कि वाशिंगटन सहमति बताती है कि हमारे पास वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, सार्वजनिक खर्च की प्राथमिकताएं होनी चाहिए,
कर सुधार होना चाहिए, सीमांत दरों में कमी कर आधार को बड़ा करना होगा, ब्याज दर उदारीकरण होना चाहिए, प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय दर होना चाहिए, व्यापार उदारीकरण होना चाहिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होना चाहिए, उसके अंतः प्रवाह का होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण की प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, विनिमयन यानी जिसका प्रवेश और विकास से बाधाओं को दूर करना, और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। क्लियर है? अगर हम विशेषज्ञों की राय माने बेटा, विशेषज्ञों की राय को देखें तो वर्ष 2008 में अमेरिकी सब प्राइम संकट और वाशिंगटन तत्पश्चात आने वाला पश्चिमी देशों का एक आर्थिक संकट जिसे हम महान रिसेशन कहते हैं, तो महान रिसेशन की जड़ें वाशिंगटन सहमति में विद्यमान थी। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त रिसेशन के बाद विश्व में वाशिंगटन सहमति में विश्वास घटता चला गया है और इसकी जगह पर अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप का विचार बलवती हुआ है, जिसे विश्व में विकास राज्य में विश्वास बढ़ाने का संकेतक माना जा रहा है। विश्व में विकास राज्य में विश्वास बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है। तो अगर आप विश्व में विकास करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका देश वैसे भी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बीजिंग की। बीजिंग कंसेंसस, ये भी बेटा प्रीलिम्स में पूछा गया है, ये भी सवाल मेंस में बहुत बार पूछा गया। बीजिंग कंसेंसस क्या है? तो चीन के आर्थिक उदय की अगर हम लोग बेटा बात करें तो 1980 के दशक के मध्य के पश्चात को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज चीन क्या है किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी वर्ष 2004 में, यस वर्ष 2004 में जोशुआ कूपर रेमो द्वारा बीजिंग सहमति का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे चीनी आर्थिक विकास मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहता है? चीनी आर्थिक विकास मॉडल भी कहा जाता है। मॉडल की विधिक व्याख्याएं भी की गई हैं, जो सार रूप में निम्नलिखित तीन स्तंभों पर आधारित मानी गई हैं। पहला, अनवरत प्रयोग एवं अन्वेषण। दूसरा, शांतिपूर्ण वितरणकारी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्रमिक सुधार। फिर स्वभाग्य निर्णय के साथ ही चुनिंदा विदेशी विचारों को भी यहां पर अपनाया गया है। क्लियर है? तो पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के महान रिसेशन यानी वर्ष 2008 के अमेरिकी सबप्राइम संकट, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि सबप्राइम संकट क्या हुआ। तो अमेरिका का सबप्राइम संकट 2008 भी बहुत चर्चित रहा कि चपेट में आने के बाद यह मॉडल एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया, क्योंकि इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था गतिमान रही। विकासशील देशों ने इस मॉडल के प्रति 2010 तक दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई, लेकिन जब हाल ही के समय में चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से कम हुआ तो अब लोग इस मॉडल को अपनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे। तो बेटा कोई भी बात हो, अमेरिका का पूंजीवाद बहुत फेमस हुआ तो लोगों ने पूंजीवाद को अपनाया, रूस का साम्यवाद समाजवाद फेमस हुआ तो लोगों ने समाजवाद साम्यवाद को अपनाया। तो अवसर की तलाश में सभी रहते हैं। भारत ने भी न तो पूंजीवाद अपनाया न तो समाजवाद अपनाया, और अवसरवादिता को ध्यान में रखते हुए हमने क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी जब हमें बेटा अवसर मिलेगा हम पूंजीवाद को अपना लेंगे, जब हमको अवसर मिलेगा हम समाजवाद को अपना लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम लोग सेंटियागो सहमति की बात करें, सेंटियागो सहमति क्या है इसको देख लीजिए। तो वाशिंगटन कॉन्सेंसस आपने देख लिया, ठीक, वाशिंगटन कॉन्सेंसस देख लिया, बीजिंग कॉन्सेंसस देख लिया, सेंटियागो क्या है? तो इसे भी वाशिंगटन सहमति के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुझाए गए इस प्रस्ताव का जो बेटा मूल उद्देश्य है, एक मूल उद्देश्य है जो सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही स्वरूपों में सुनिश्चित हो जाता है, और इस प्रकार इस सामाजिक आर्थिक विकास मॉडल की स्थानीय विशेषताएं शामिल हो गई। तो ये भी निश्चित है कि इस दृष्टिकोण से हमें बीजिंग सहमति की तरह इसमें सामाजिक व्यंजनाएं शामिल हो जाएंगी। तो इस विकास मॉडल को साकार रूप देने के लिए विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता देने के साथ साथ सूचना तकनीक की अपार शक्ति के उपयोग पर बल दिया गया। सूचना तकनीक की अपार शक्ति के उपयोग पर क्या दिया गया बेटा? बल दिया गया। ठीक है, तो
तो ये सारी बातें आज हम लोगों ने करी इस सेशन में। तो इस सेशन को आपने भरपूर इंजॉय किया, सारी बातें इसमें क्लियर हो गई। तो एक बार हम बता दें कि रमेश सिंह का कंप्लीट 12th एडिशन बेटा हम लेकर के चलेंगे, रमेश सिंह का कंप्लीट 12th एडिशन हम लेकर के चलेंगे। और हम बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक प्लस चैनल नहीं ज्वाइन किया है बेटा, वो प्लस चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम लोग और डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, वहां पर और बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। आप हमारे साथ रहिए, आपकी कोई समस्या हमारी समस्या होगी, इसका हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं रात 11 बजे अपनी क्लास 9th की एनसीईआरटी के टॉपिक पॉवर्टी को लेकर के। तो थैंक यू सो मच, सेशन को लाइक करिए बेटा, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।